नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवीन ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवीन ज्योतिष चैनल में 350 से अधिक वीडियो हैं, 14,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 32 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी 7 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 पुस्तकें अंडर प्रिंटिंग है। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, दिल्ली में लगभग 20 साल से एस्ट्रोलॉजी टीचिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा पामिस्ट्री, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, हैंड राइटिंग एनालिसिस, जेमोलॉजी सारे कोर्स करवाता हूँ। मैंने अब मुंबई में एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है। यदि आप दिल्ली या मुंबई में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या पूरे वर्ल्ड के किसी भी सिटी में बैठकर कोरस्पोंडेंस कोर्स या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं, तो कंसल्टेंसी फी और कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर बैंक में नीचे दिए लिखे बैंक अकाउंट्स में जमा करा के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। नक्षत्रों की इस सीरीज में आज मैं आपको हस्त नक्षत्र के बारे में विस्तार से बताता हूँ। नक्षत्र मंडल में हस्त को 13वां स्थान प्राप्त है। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। हस्त नक्षत्र कन्या राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। हस्त का मीनिंग होता है हाथ। हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह 5 सितारे हैं, जो हथेली की तरह ही प्रतीत होते हैं। हस्त नक्षत्र का देवता है आदित्य। आदित्य सूर्य का ही नाम है। सूर्य आदित्य के 12 पुत्रों में से एक है। हस्त नक्षत्र हस्तशिल्प और आपसी कॉपरेशन से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र वैश्य जाति का नक्षत्र है, इसमें राजसिक गुण होते हैं। हस्त नक्षत्र पुरुष जाति का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र का रंग डार्क ग्रीन होता है। हस्त नक्षत्र को शरीर के अंगों में हाथों की उंगलियों का अधिकार प्राप्त है। यह वायु वर्ग का नक्षत्र है। यह वात प्रदान नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र में नाम के अक्षर पू, श, णा और रा होते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्मे जातक अच्छे मैनेजर होते हैं, फिजिकली एंड मेंटली बहुत एक्टिव होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, अपने काम को बहुत खूबी से करते हैं, वर्क को ही अपना एंटरटेनमेंट मानते हैं। हस्त नक्षत्र के जातक अच्छे कारीगर होते हैं, लेकिन हस्त नक्षत्र पर यदि पाप प्रभाव पड़ता है तो जातक कपटी हो सकता है, धूर्त है, धोखा देने वाला भी हो सकता है। हस्त नक्षत्र कन्या राशि में होने के कारण राशि स्वामी बुध का अधिक प्रभाव होता है। जातक बहुत बुद्धिमान होता है, प्रत्येक कार्य को बहुत सिस्टमेटिक वे से करता है, प्रत्येक कार्य को खुश होकर करता है।
कार्य को बोझ नहीं समझता। हस्त नक्षत्र के जातक खुश मिजाज होते हैं, परिश्रमी होते हैं, प्रत्येक कार्य को उत्साह से करते हैं, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। बुध के प्रभाव के कारण ये बुद्धिमान भी बहुत होते हैं, हास्य प्रिय होते हैं, सभी कार्यों को सिस्टमेटिक वे से करते हैं, अपनी मेहनत व टैलेंट से अपने टारगेट को पूरा करते हैं। हस्त नक्षत्र शुभ माना जाता है। हस्त नक्षत्र के चार चरण होते हैं। पहला चरण, हस्त नक्षत्र का पहला चरण कन्या राशि के 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक मंगल के मेष नवांश में होता है। ऐसे जातक साहसी पराक्रमी होते हैं। हस्त नक्षत्र पर अशुभ प्रभाव हो तो जातक कभी कभी धोखा दे सकते हैं, गबन कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं। जातक आईटी सेक्टर में भी कार्य कर सकता है, लेखन कार्य भी करता है, डॉक्टर बन सकता है, सर्जन बन सकता है। हस्त नक्षत्र के पहले चरण में सूर्य व मंगल शुभ फल देते हैं। दूसरा चरण, हस्त नक्षत्र का दूसरा चरण कन्या राशि के 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक शुक्र के वृष नवांश में पड़ता है। ऐसे जातक बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ईमानदार होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं। इनकी रुचि कलात्मक कार्यों में अधिक होती है। तीसरा चरण, हस्त नक्षत्र का तीसरा चरण कन्या राशि के 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक बुध के मिथुन नवांश में पड़ता है। ऐसे जातक सफल व्यापारी होते हैं, अपनी बुद्धिमता व्यवहार कुशलता से धन प्राप्त करते हैं, धन लाभ होता है, बहुत सिस्टमेटिक वे से काम करते हैं। चौथा चरण, हस्त नक्षत्र का चौथा चरण कन्या राशि के 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक चंद्रमा के कर्क नवांश में पड़ता है। यह कन्या राशि का सातवां नवांश है। इस चरण में उत्पन्न जातक अपने पारिवारिक जीवन में बहुत रुचि लेते हैं, घरेलू होते हैं, घर परिवार में प्रेम पूर्वक वातावरण बनाकर रखते हैं, वैवाहिक जीवन का बहुत अच्छा होता है। हस्त नक्षत्र में जन्मे जातक शिल्पकार, मिस्त्री, स्वर्णकार, डेली यूज में आने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, प्रिंटिंग पब्लिकेशन में कार्य कर सकते हैं, इंश्योरेंस और बैंक में भी कार्य करते हैं, छोटे दुकानदार भी होते हैं, सफाई कर्मी, घरेलू नौकर होते हैं, कपड़े के कारोबार में कार्य करते हैं, लेकिन अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ यानी कि पामिस्ट भी बन सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर, माली, रेडियो जॉकी, न्यूज़ रीडर बन सकते हैं। हस्त नक्षत्र में कला से संबंधित हस्त शिल्प के कार्य, एंटरटेनमेंट से संबंधित कार्य, हास्य विनोद के कार्य, ज्योतिष के कार्य, कोई भी लैंग्वेज सीखना, बिजनेस करना, इवेंट मैनेजमेंट करना, ट्रेडिंग करना, ट्रेवलिंग करना शुभ फलदायक होते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्मे जातक गतिशील होते हैं, विश्राम कम करते हैं। हस्त रेखा के शुभ रिजल्ट पाने के लिए सूर्य की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ फल देता है। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। नमस्कार।